यदि आप इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो आप गौर करेंगे कि भारत में जो सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उसका नेतृत्व हमेशा किसानों ने किया और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थित थे। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। कांग्रेस पूरी दिलो जान से किसानों का समर्थन कर रही है। फर्क बस इतना है कि दुश्मन बदल गया है। न डरेंगे, न झुकेंगे, न हटेंगे। तीन काले कानून वापस करवाकर ही दम लेंगे। आज भी श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 राजनीतिक दल के नेता किसान संसद में जंतर मंतर पर शामिल हुए और किसानों की लड़ाई को अपना सहयोग दिया तथा किसानों की लड़ाई में समर्थन का निर्णायक निश्चय दोहराया। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून इनको हटाने के लिए अपना पारा यहाँ से काट दिया और यहाँ पे हम किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन दे रहे हैं। यह कांग्रेस लीडर की ही पहल का नतीजा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। श्री राहुल गांधी देश के पहले नेता हैं जिन्होंने पिछले साल ही किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई। कोविड के समय इन तीन कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत है। बीते सोमवार को भी श्री राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए तुरंत काले कानूनों को हटाने की मांग की थी। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ संसद में बल्कि पूरे देश में किसान की आवाज़ बनकर गूंजेगी, क्योंकि न डरेंगे, न झुकेंगे, न हटेंगे।